और ये है लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन जो चलती है यहाँ पे। कल मैं भी ऐसी ट्रेन में बैठने वाला हूँ जब मैं चेंग माई जाऊँगा। सो गाइस, बिगेस्ट फियर अनलॉक्ड, मैं कभी भी हॉस्टल्स प्री पेड नहीं करता हूँ, बट कई बार हॉस्टल्स के अंदर सिर्फ प्री पेड का ऑप्शन होता है, तो मैंने प्री पेड कर दिया। फिलहाल ये हॉस्टल था गूगल मैप पे कहीं पर है, लोगों से बोल के मैंने कॉल करवाया हॉस्टल में, फ़ोन तक नहीं लग रहा है। आसपास पूछ ले, किसी को पता ही नहीं इस हॉस्टल के बारे में। जब गूगल मैप पे लोकेशन डाल रहा हूँ कहीं और की आ रही है, booking.com पे लोकेशन यहाँ की आ रही है, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं। आई एम सो टायर्ड, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकता मैं। ढूंढते हैं, पूछते हैं किसी और से फिर। आखिरकार जाके मिला, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। मतलब असल में दुकान खोल के लोग भाग गए यहाँ पे। मैं नॉक कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जस्ट नो वन। भाई पता नहीं क्या हो रहा है, पूरी की पूरी बिल्डिंग सुनसान पड़ी है, कोई भी नहीं है। ऐसा लग रहा है आतंकवादी आए थे यहाँ पे। ऐसा कुछ कभी फेस नहीं किया मैंने। मतलब तो पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली है, लुक्स लाइक अबैंडन्ड, लिटरली अबैंडन्ड। ऊपर चलते हैं एक बार। हेलो, इज देयर समवन? हेलो, इज देयर समवन? दिस प्लेस इज लिटरली अबैंडन्ड यार, मतलब इट इज़ अबैंडन्ड। यहाँ पे कोई भी नहीं है, चार मंजिल की बिल्डिंग पूरी की पूरी खाली है। कुछ आईडी नहीं, मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे बैक हर्ट कर रहा है। मैसेज कर लिया booking.com पे, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फक मैन फक। सो ये हॉस्टल का गेट है जो खुला हुआ है, ये सीसीटीवी कैमरा है, इसकी तार ऐसे बंधी हुई है, मतलब ये एक्टिव ही नहीं है। हर चीज़ बहुत ही सस्पिशियस लग रही है यहाँ पे, बहुत ही फेक लग रही है, पता नहीं क्यों। प्लान ये है कि व्लॉग मैंने फिनिश कर लिया है, दैट्स अ गुड थिंग। सो ये खाने के बाद आई विल जस्ट गो टू फर्स्ट सेकेंड फ्लोर, जो खाली बेड देखेगा, रूम बंद करके मैं सो जाऊँगा। सुबह उठूँगा 8-9 बजे, तब बात करते हैं इनसे, कोई होगा तो। मैं कहीं और नहीं जाने वाला यार, आई ऑलरेडी पेड फॉर इट, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं दो बार पे करूँ। और यहाँ पे नो शो पॉलिसी है, सो वो नॉन रिफंडेबल। अगर मैं यहाँ पे नहीं सोता हूँ, कहीं और सोता हूँ, वहाँ मैं दोबारा पे करूँगा, ये पैसे मुझे वापस नहीं मिलने वाले। फिलहाल तो देखते हैं कैसा है चिकन। कुछ है जो मुझे थोड़ी सी खुशी दे रहा है इस नेगेटिव माहौल में। मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के करीबन 9 बज चुके हैं। फ़िलहाल मैं सो के उठा हूँ, वही किया मैंने, चुपचाप मैं ऊपर आया सेकंड फ्लोर पे, दो तीन गेट खोले, जो गेट के अंदर दो तीन एक्स्ट्रा बेड दिख रहे थे, बस हो गया। फिलहाल टाइम हो गया चेकआउट करने का, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी जो ओनर है, सुबह सुबह उसके असिस्टेंट आई, फिर ओनर से मैंने बात करी, तो मैंने बोला रात को यहाँ पे कोई क्यों नहीं था। ओके, ये असिस्टेंट है ओनर की। सो इनका जो ड्रोम है, इतने सुंदर ड्रोम है, मैंने इतने दिनों में किसी भी हॉस्टल के अंदर इतने सुंदर ड्रोम नहीं देखे। उसको मैंने वही बोला, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है पर पूरी अबैंडन लगी, गोस्ट हाउस लगी। उसने अपोलोजाइज किया बहुत बार, उसने बोला क्या कर सकते हम आपके लिए, मैंने कहा फुल रिफंड। वो चुप हो गया, उसने फिर कुछ नहीं बोला,
फिर मैंने बोला डू वन थिंग, मैं वापस आ रहा हूँ बैंकॉक करीबन 6 तारीख को, तो मुझे एक नाइट का स्टे दो फ्री में. शी सेड ओके, सो कॉम्पनसेशन के लिए 6 तारीख को मैं यहाँ पे फ्री में स्टे कर सकता हूँ. सो ठीक है. वाईफाई का मैंने पूछा, बोल रही है वाईफाई भी इंस्टॉल नहीं है. सीम्स लाइक नया नया है, लेकिन booking.com पे इसकी रेटिंग 8.6 की है करीबन 134-135 रिव्यू के बाद. मतलब ठीक प्लेस थी यार, लेकिन ठीक है. फिलहाल ये व्लॉग यहीं तक था इस गोस्ट हाउस के अंदर. काफ़ी ब्यूटीफुल है, गोस्ट हाउस नहीं है. 6 तारीख को मैं दोबारा आऊँगा 6th of March को यहाँ पर स्टे करने, तब देखते हैं कितना डिफरेंट है, कितना अलग है. और या तब करते हैं डिसाइड. फिलहाल बहुत भूख लगी है, कुछ जाता हूँ खाने है, फिर चलते हैं ट्रेन स्टेशन, बिकॉज वहाँ से ट्रेन है चेंग माई की. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले में. तब तक के लिए बाय.